for your sacrifice. E ela tá de marquinha. Eita novinha delícia. Ela tá de marquinha de fita. Ela nossa da minha cabeça. Da cabeçada ela é fita. मेरे भाइयों क्या हालचाल है यार। तो बहुत दिन हो गया आप लोग को एक सूट नहीं देखने को मिला। वही पुराना घिसा पिटा एक सूट अभी चल रहा है, पर ये जाने वाला है और आने वाला न्यू एक सूट। तो आखिर कैसा रहेगा न्यू एक सूट? और गाइस आप विश्वास नहीं करोगे, बीजमाई के लिए, सिर्फ बीजमाई के लिए एक न्यू कोलेब्रेशन हो रहा है जिसमें एक न्यू कैरेक्टर अनलॉक्ड होगा। और वो कैरेक्टर कोई और नहीं, आप लोग के बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस है, तो उसको देखेंगे हम लोग। एंड गाइस बहुत सारा लीक्स है तो वीडियो पूरा देखना। सो यस गाइस, आप लोग को पता है आपके भाई चैनल पे साउट आउट मिलता है, तो सबसे पहला जो साउट आउट जाता है वो जाता है भाई को, एंड दूसरा जो साउट आउट जाता है वो जाता है राजा ओपी भाई को। अगर आप लोग भी चाहते हो आपका नाम वीडियो में फीचर हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, प्यारा सा कमेंट टाइप कर सकते हो और आपका नाम आ जाएगा, या अपना नाम ही कमेंट में लिख देना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 3.4 अपडेट के बारे में जो कि बीजमाई और पबजी में आने वाला है। और इसका रिलीज डेट क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं, यहां पे रिलीज डेट ऑफिशियल यहाँ पे लीक हो चुका है। सो गाइस पबजी में 10 तारीख को अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को, और बीजमाई में 21 तारीख या 18 तारीख को आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब मान के चलो 20 तारीख से पहले देखने को मिल जाएगा या 20 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को रिलीज डेट पता चल गया, एक ट्रेलर है 3.4 अपडेट का जो की आया है, तो आप लोग देख सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा ट्रेलर नहीं दिखा सकता इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हो। तो गाइस न्यू कोलेब्रेशन यहाँ पे आप लोग को एनमे के साथ देखने को मिलेगा। इस एनमे का नाम कोड करके है और इसमें वेक्टर की 5 लेवल की गन की स्किन भी आएगी अपग्रेड। तो इस 3.4 अपडेट में आने वाले कुछ आउटफिट में दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कोलेब्रेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आप लोगों ने फोटो में भी देखा होगा, तो ये देख सकते हो ये सेट कैसा लग रहा है आप लोग को। मुझे तो भाई बिल्कुल ही पसंद है भाई, इसमें वैम्पायर वाला थीम थोड़ा है, पर भाई थोड़ा सा यहाँ पे हेडगेयर जो है थोड़ा और अच्छा करना था, वैम्पायर लुक देना था। फिर यहाँ पे आप लोग एक और आउटफिट देख सकते हो, ये आउटफिट देखने के बाद लग रहा है भाई स्पेस सूट लग रहा है और इसको रेड कलर कर दिया गया है, पर हाँ सूट मेरे को भाई अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मेल पे अगर आप लोग यहाँ पे स्विच होगे तो भाई देखो कैसे बॉडी आर्मर थोड़ा और भी इंक्रीज हो जा रहा है। इसका हेडगेयर अगर मार्बल के भाई आयरन मैन की तरह होता तो भाई ये बिल्कुल ही वैसा ही लगता, मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही। यहाँ पे आप लोग को ये आउटफिट कैसा लगा है भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड यार। देन थर्ड आउटफिट आप लोग देख सकते हो, ये भाई स्केल्टन, मतलब भाई क्या लुक है, ये कैट वाला आउटफिट है, मतलब स्केल्टन वगैरह दिख रहा है। और ये भाई 3.4 के अपडेट में आने वाला है, क्रेट या स्पिन में कहीं पे भी आ सकता है, कन्फर्मेशन नहीं है, बट हाँ कन्फर्म है कि भाई 100% आएगा। फिर गाइस यहाँ पे फोर्थ आउटफिट आप लोग के सामने पेस है कुछ इस टाइप का, ये भाई ड्रैगन वाला आउटफिट लग रहा है आप लोगों को, अगर नहीं याद है ओल्ड जो भी प्लेयर होंगे उनको याद होगा कुछ ड्रैगन आउटफिट ऐसे आया था जिसमें पीछे ये नहीं लगा हुआ था, बट हाँ अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताओ ये कैसा है कमेंट में बताना यार मेरे को। बाकी मेरे को तो भाई पसंद आया है चारों आउटफिट, अब ये क्रेट में आएंगे या फिर स्पिन में ये तो भाई डिपेंड करता है डेवलपर्स पे किस में ये लोग डालते हैं। ये तो थे कुछ न्यू आउटफिट, बट अब आते हैं ओल्ड आउटफिट जो कि भाई रिटर्न करने वाले 3.4 अपडेट में। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला आउटफिट, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था इसको और ये मेरे को बहुत गजब का आउटफिट लगता है, क्योंकि भाई ये एक सूट को टक्कर दे सकता है। आप लोग सही बताओ ये आउटफिट कैसा है? यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये आउटफिट आएगा, मतलब रिटर्न करेगा, फिर यहाँ पे दूसरा आउटफिट ये देख सकते हो, ये सारे के सारे आउटफिट एक साथ आए थे, अब की बार भी हो सकता है स्पिन में या कहीं मतलब क्रेट वगैरह में इसको एडजस्ट किया जाए, तो देखते हैं कहाँ पे आता है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका भाई इमोट वगैरह तो भाई क्या ही है, मतलब कितना तगड़ा भाई इमोट है। बाकी यहाँ पे थर्ड आउटफिट देख सकते हो ये, मतलब भाई क्या ही इमोट है यार, भाई ऐसे डेवलपर फिर से मेरे को चाहिए भाई। यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है ये, आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। और भाई एक चीज़ और बताना कि भाई आप लोग थे मतलब गेम खेल रहे थे कि नहीं जब ये आया था, मतलब भाई जब आया था ना क्या क्रेज़ था। सो ये वाला भी आउटफिट यहाँ पे रिटर्न करेगा जिसमें कुछ बैट वगैरह यहाँ पे उड़ रहे हैं, और ये इसका नाम भी यहाँ पे वैम्परिक टच सेट है, तो भाई ये भी मेरे को कूल लग रहा है। बाकी ये हेडगेयर मेरे को थोड़ा चेंज लग रहा है,
मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसे स्टील टाइप का कुछ लटका हुआ था, बाकी पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये रिटर्न करने वाला 3.4 अपडेट में। बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा कि भाई ये जो AKM की दोनों स्किन है ये आप लोग को नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट में PUBG मोबाइल में देखने को मिलेंगी, मतलब इनमें से एक देखने को मिल सकता है या दोनों देखने को मिल सकते हैं। तो PUBG मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो आप लोग को बता दूं भाई यहाँ पे आप लोग को वॉइस पैक देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ PUBG मोबाइल में, लेवनो एंड सिबोइक एंड जो भी है यहाँ पे क्रिएटर PUBG मोबाइल के। और गाइज यहाँ पे वैनम का भाई ऑल आइटम आप लोग देख सकते हो, अवतार और हॉर्स और यहाँ पे पैरासूट देखने को मिलेगा। तो आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि भाई वैनम का कोई भी सूट वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आइटम मैंने दिखाए वही आप लोग को देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया था कि भाई एक कैरेक्टर यहाँ पे अनलॉक्ड होने वाला है आप लोग का न्यू, जो कि भाई बीजमाई के लिए सिर्फ है और वो एक्ट्रेस है। चलो मैं दिखाता हूँ कौन है वो। यस गाइस, दीपिका पादुकोण, और ये आप लोग को देखने को मिलेंगे बीजमाई में। और इनका जैसे रणबीर सिंह का भाई आया था ना स्पिन वगैरह, वैसे ही इनका भी कोलेब्रेशन होगा। तो न्यू M416 गन की स्किन आने वाली है जिसका लीक्स आ चुका है, चलो मैं दिखाता हूँ कैसा रहने वाला है। हाँ गाइज, आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा, ये क्या है, मतलब ये कैसे है, मतलब ये बताओ आप लोग कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को। भाई इस गन पे एक बार नजर मारो, इसके किल फीड पे नजर मारो कैसा लग रहा है भाई। ये कन्फर्म है कि आप लोग को देखने को मिलेगा, ये डिजाइन किया गया है एक प्लेयर के द्वारा। तो गाइज ये सेलेक्ट हो चुका है और ये अब आएगा। और गाइज एक न्यू आउटफिट भी है PDP क्रेड में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आउटफिट है। और गाइज इसके साथ थॉमस की अपग्रेडेबल स्किन और कार की स्किन देखो भाई कैसी है, इतनी तगड़ी, मतलब भाई क्या बोलूँ मैं। और ये भाई सूट मेरे को अच्छा लग रहा है और इसका 3D मॉडल भी बन चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब ये एक्सेप्ट हो चुका है और इसका डिज़ाइन भी बन चुका है। तो ये कार वगैरह का लीक नहीं है, पर भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आउटफिट कैसा रहने वाला है। और गाइज ये कन्फर्म हो चुका है, तो भाई 3.4 अपडेट में आप लोग को देखने को मिलेगा ये आउटफिट एंड कार वगैरह देखने को मिल सकता है। अब गाइस एक्सूट की बारी आती है, तो एक्सूट आप लोग को 3.5 अपडेट में देखने को मिल सकता है। एंड 3.5 अपडेट पूरा भाई बर्फ वाला सीन रहेगा उसमें, मतलब बर्फ वाला अपडेट है, तो उसमें आप लोग को कुछ ऐसा ही रिलेटेड ही एक्सूट देखने को मिलेगा। तो आप लोग को लीक्स में दिखाता हूं कैसा देखने को मिल सकता है। तो गाइस आपके सामने पेश है एक भाई बर्फ वाला एक्सूट, मतलब भाई क्या तगड़ा लुक है उसका। और गाइस इसमें आप लोग को बहुत गजब का सीन दिखाया गया है, इमोट दिखाया गया है, तो ये आप लोग को देखने को मिल सकता है 3.5 अपडेट में। और एक्सूट या सूट आप लोग को कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, एवलांच एक्सूट की तरह ये है। मतलब आप लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई आप लोग को ये कैसा लग रहा है, मेरे को तो भाई एक नंबर लग रहा है। और इसके कुछ और वेरिएंट्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। बाकी गाइज आपका ओपिनियन जरूर बताना कि भाई आप लोग को ये एक्सूट कैसा लग रहा है, मतलब इसके कुछ और भी वेरिएंट्स हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हो आउटफिट, या फिर यार आप लोग को ऐसे ही कुछ देखने को मिल सकता है। चलो गाइज बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी लीक्स आएंगी तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाय।